तुमको जो कविता आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है, उसका शीर्षक है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। सो बेसिकली ये डायलॉग है खुद से। सो शीर्षक है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। तो सुनिएगा। हम दो हैं अथवा एक हैं, ये मेरा वैसे तो कहना सुगम नहीं। हम दो हैं अथवा एक हैं, ये मेरा वैसे तो कहना सुगम नहीं। उसके भीतर हूं मैं या मेरे भीतर ही वो रहता है, जितना सुनता जानता देखा समझा कुछ भी मैं करता हूं, जितना सुनता जानता देखा समझा कुछ भी मैं करता हूं, आभास मुझे है उतना ही सब कुछ वो भी अनुभव करता है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। जब मैं पुलकित होता हूं तो वो भी खिलखिलाता है, जब मैं पुलकित होता हूं तो वो भी खिलखिलाता है, मेरे क्रोधित होने पर वो अनायास ही बिलबिलाता है, रो पड़ूं जो मैं कभी तो उसके भी नैन छलकते हैं, रो पड़ूं जो मैं कभी तो उसके भी नैन छलकते हैं, आशू के होने से है वो ये बरबस मुझसे कहता है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। वो मेरा दर्पण है, संभवतः मैं उसका प्रतिबिंब हूं, इमेज। सो वो मेरा दर्पण है, संभवतः मैं उसका प्रतिबिंब हूं, विचारूं कहां से कैसे कितना मैं उससे भिन्न हूं, ये उसकी घनघोर कुटिलता है या निर्मल सहज सरलता है, ये उसकी घनघोर कुटिलता है या निर्मल सहज सरलता है, जगता वो मेरे साथ मेरे सोने पर सोता रहता है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। दुविधा में जब होता हूं तो वो मुझको समझाता है, दुविधा में जब होता हूं तो वो मुझको समझाता है, अंतर्द्वंद या धर्म संकट जब हो वो गीता सार बन जाता है, अपने अपने वो कड़वे यक्ष प्रश्न भी मुझसे पूछा करता है, अपने वो कड़वे यक्ष प्रश्न भी मुझसे पूछा करता है, उसे जब भी कुछ कहना हो वो बस गले लग लिया करता है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। चाहे जैसा भी है वो, पर हां मैं उसका आभारी हूं, चाहे जैसा भी है वो, पर हां मैं उसका आभारी हूं, क्योंकि शरद ग्रीष्म दिन रात्रि वो मुझसे बातें करता रहता है, शरद ग्रीष्म दिन रात्रि वो मुझसे बातें करता रहता है, उसमें मैं देखूं स्वयं को वो देखता होगा खुद को मुझमें, उसमें मैं देखूं स्वयं को वो देखता होगा खुद को मुझमें, उसे जब भी कुछ कहना हो वो बस गले लग लिया करता है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है, मेरे भीतर मुझसा ही कोई और भी है जो रहता है। धन्यवाद।